इसलिए सुनो, ये पत्ती पे गिरे सबनम कभी नम नहीं होती। सर जी की, मैडम जी की मोहब्बत जुदाई भी कभी कम नहीं होती। टंकी पे टंकी और टंकी में पानी, मैडम तो है परियों की रानी। गाइस ये जंगलों से जा रहे हैं हम फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा की ओर। यह हमने गाइड पकड़ा है, वो 200 रुपये ले रहा है, हमारा एवरीथिंग टिकट विकट सब कुछ उसी में इंक्लूड है। देखते कैसा एक्सपीरियंस रहता है गाइडिंग के साथ। यहाँ देखने के लिए दो जगह है, फतेहपुर और सीकरी। सीकरी फोर्ट इसके पीछे है पुराना गांव, ये जगह फतेहपुर है। कंबाइन में दोनों को मिला के बोलते हैं फतेहपुर। फतेहपुर जो है एक धार्मिक स्थान जगह है, धार्मिक स्थान जगह है। पीर बाबा की दरगाह यहाँ सामने जो दरगाह है ना वाइट वाला, ये सलीम चिश्ती की दरगाह है। यहाँ पर पहले अकबर के टाइम में किला कोई दरगाह नहीं था, एक जंगल था और एक पहाड़ी इलाका था। जंगल के अंदर हर तरह के यहाँ जानवर थे, ये सलीम चिश्ती बाबा यहाँ पर आकर रहते थे। सलीम चिश्ती अब जब रहते थे ना तो ये दरगाह ना वाइट वाला यहाँ इनका बैठने का आस्ताना था। अच्छा, ये झोपड़ी के अंदर ये बाबा यहाँ बैठते थे। अकबर की राजधानी फर्स्ट दिल्ली थी और अकबर की तीन वाइफ थी। तीनों वाइफ से अकबर को औलाद नहीं था। सही से अकबर दिल्ली से अजमेर गए थे, अजमेर से सपना हुआ था कि अकबर जाओ फतेहपुर सीकरी, बेटा मिलेगा तो बाबा के आशीर्वाद से आपको औलाद मिलेगा। अच्छा। नहीं तो उस समय में कहीं नहीं मिलेगा। सहीन से अकबर चलकर खुद नंगे सिर और नंगे पांव अजमेर से यहाँ पर पैदल आए थे सातवीं बार। अच्छा, पैदल आए थे। पैदल आए थे अकबर शहनशाह। अकबर के पास दौलत की कमी नहीं थी। हाँ, तब भी पैदल आए। बेटे की कमी थी तो अकबर पास चलकर आए थे यहाँ जंगल के अंदर। ये बाबा ने जो आशीर्वाद जो दिया था ना, वो हिंदू रानी जोधाबाई को दिया था और अकबर को दिया था। इन्हीं के आशीर्वाद से जोधाबाई से मारनी गए लड़का मिला सलीम। अकबर ने सबसे पहले बेटे का नाम दिया था वो सलीम दिया था, बाबा के नाम पे नाम जब बेटा मिला। तो उसके बाद जब बड़ा हुआ सलीम, उसका नाम आया बादशाह नाम जहांगीर रखा। उसी खुशी में अकबर ने ये दोनों जगह बनाया था फतेहपुर सीकरी, होता हुआ ताज बनाया। अगर इनके आशीर्वाद से अकबर को बेटा नहीं मिलता, देखने के लिए आपको ताजमहल आगरा फोर्ट कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं बनता। जितने भी हर धर्म के लोग यहाँ जो आते हैं मैन आते हैं बाबा की जो दरगाह है सलीम चिश्ती का। अच्छा। अकबर ने धर्म चलाया दीन इलाही, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन अकबर हर धर्म को मानता था। वो चलाया था अकबर ने सामने मस्जिद के अंदर दीन इलाही, आज भी उसका डिजाइन अंदर बना हुआ मस्जिद के अंदर, हिंदू का मुस्लिम का क्रिश्चन का। तो दरगाह है सलीम चिश्ती का यहाँ मेन, और ये पीछे वाला गेट है बुलंद दरवाजा कहला जाता है, एशिया में सबसे बड़ा गेट के लिए। इससे लोग पब्लिक आया करती थी और जाया करती थी। जिस गेट से हम लोग आए इससे को बोलते हैं बादशाही दरवाज़ा, रॉयल फैमिली गेट। सही से अकबर इसी गेट से वहाँ सामने प्रे करने का जगह है, लोग यहाँ नमाज पढ़ते हैं पांचों दिन का। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर सलीम अनारकली से लव और मोहब्बत करता था। अनारकली अकबर के टाइम में एक नौकरानी और दासी की लड़की थी। सलीम उससे मोहब्बत कर बैठा, अकबर को पसंद नहीं था, इसलिए अनारकली को अकबर ने यहाँ पर जिंदा पब्लिक की नज़र में यहाँ पर जिंदा चुनवा दिया। इसी के अंदर, मगर यहाँ जिंदा नहीं चुनवाया था, सिर्फ पब्लिक को देख। तेरा जलवा जो पाऊं मैं हरदम भूल जाऊं, तेरा जलवा जो मैं पाऊं मैं तो हरदम भूल जाऊं, ये आंसू जो है बहते बस इतना है। मेरा नाम अशद है, तू बता। मुझे आया, इसलिए सुनो,
ये पत्ती पे गिरे सबनम, ये पत्ती पे गिरे सबनम, कभी नम नहीं होती, सर जी की मैडम जी की मोहब्बत जुदाई भी कभी कम नहीं होती। टंकी पे टंकी और टंकी में पानी, मैडम तो है परियों की रानी। ये ऊपर से गिरी तीर किनारा कर गई, दस्ते मैडम जी पियर गई है, सर जी को तो दीवाना कर गई। ओ भाई साहब खतरनाक। ऊपर से गिरी तीर, ऊपर से गिरी तीर जमीन में गचक गई, पीछे मुड़ के देखा तो मैडम जी चमक गई। अरे भाई खतरनाक। ये सुनो, ये पत्ती पे गिरे सबनम, ये पत्ती पे गिरे सबनम, कभी नम नहीं होती, सर जी की मैडम जी की मोहब्बत जुदाई भी कभी कम नहीं होती। अरे भाई साहब। यहाँ झूमती बोतल, यहाँ झूमती बोतल, यहाँ झूमती बोतल, कभी शराब नहीं होती, पर तिलती है कलियां कभी गुलाब नहीं होती, बनवाने के लिए सर जी तबड़ा ताजमहल, हर लड़की मुमताज नहीं होती। अरे वाह भाई वाह। एक गुल किलने किलियाने किलने देती, वो मैडम और सर मिलते हैं दुनिया ने मिलने देती। अरे यार भाई मजा कर दिया भाई। ये गोभी के फूल में कुछ खराबी, उसे साफ कर देना, हम दोनों की शायरी में कुछ गलती हो तो हमें माफ कर देना। अरे भाई धन्यवाद धन्यवाद। सो गाइस ये थे यहाँ के दो बच्चे थे जिन्होंने शायरी बहुत खतरनाक सुनाई है। बुलंद दरवाजा हमने घूम लिया है और बुलंद दरवाजा से घूम के अब हम जा रहे हैं, ओमवीर की कल वेडिंग है, वेडिंग अटेंड करने जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं उसके घर पे, फिर मिलते हैं आप लोगों को रास्ते। बुलंद दरवाजा वन टाइम वॉच है, मतलब एक बार आओ तो घूम लो, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे घूमने के लिए, बाकी एक राउंड सा ग्राउंड है उसमें घूम लो, ज़्यादा मज़ा आएगा नहीं आप लोगों को। इससे अच्छा आप ताजमहल या सिकंदरा घूम सकते हो। बुलंद दरवाजा बस नाम के लिए फेमस है भाई, एक दरवाज़ा है बस, उसकी लोकेलिटी है, एक दरगाह है बस, वही सब चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। मुझे तो मज़ा नहीं आया, आप लोग आए तो बताना आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। चलो फिर आपको मिलते हैं आगे। सो गाइस अब हम आगरा जा रहे हैं, फतेहपुर सीकरी हमने घूम लिया, बुलंद दरवाजा, तो यहाँ से हम आगरा जाएंगे। ये रोड सीधा आगरा की ओर जा रहा है, आगरा यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर है और टाइम हो रखा है 2 बज गए हैं। मैक्स टू मैक्स हमें अराउंड 1 आवर लगेगा आगरा पहुँचने में। आगरा पहुँचते हैं कुछ खाते हैं क्योंकि भूख भी लग रही है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। Day 2 है, गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आगरा। अभी हम आए हैं मॉर्निंग का मजा लेने, कहाँ बताइए कहाँ आ सकते हैं हम सुबह सुबह मॉर्निंग में। हम आए हैं ताजमहल के दीदार करने, ये ताजमहल के एंट्रेंस है, यहाँ पर टिकट विकेट ऑनलाइन, हमने तो ऑनलाइन टिकट ले ली थी, पर बहुत से लोग हमारे जैसे आते हैं फुद्दू से, जो टिकट नहीं लेते वो ऑफलाइन टिकट ले रहे हैं। यहाँ पे एंट्रेंस है, एंट्रेंस एंट्री करते हैं, चेकिंग वैकिंग होगी, उसके बाद चेकिंग करवा के अपनी फिर अंदर जाते हैं, फिर आपको ताजमहल की दीदार करवाते हैं। हमने एंट्री कर ली है, एंट्री का यहाँ बहुत ज़्यादा पंगा रहता है, आप ट्राईपोड नहीं ला सकते, ना पेन ला सकते हो, ना कोई ज्वेलरी पहन सकते हो, कुछ नहीं ले सकते हो आप अपने साथ, कैमरा भी होगा तो बिना ट्राईपोड के कैमरा लाना पड़ेगा आप लोगों को, बस फ़ोन और वॉलेट आपके पास होना चाहिए और कुछ नहीं, खाने पीने की बस एक बोतल अलाउड है पानी की और कुछ भी अलाउ नहीं है। तो कभी ताजमहल आए तो आप अगर गाड़ी में आ रहे हो तो सारी चीज़ें गाड़ी में रख दो, और बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए अपने जब कभी भी आए ताजमहल तो, और कुछ भी मतलब अननेसेसरी चीज़ कैरी मत कीजिए, नहीं तो अब हमारी तरफ पंगा करना पड़ेगा। अभी हमें ट्राईपोड के लिए दोबारा लौटा दिया गया था तो हम ट्राईपोड रख के आए हैं अपना, फिर उसके बाद हमारी एंट्री हुई है, तो टाइम वेस्ट होता है इसमें खाली, और कुछ फालतू का नचाते रहते हैं आपको इधर उधर तो मज़ा नहीं आता, उसमें आपका मूड ऑफ होगा, तो इसलिए आप पहले ये सब चीज़ें बाहर निकाल दो। तो ठीक है आप अभी अंदर जा रहे हैं, कैंपस के अंदर पहुँच गए। तो गाइस देखिए फर्स्ट व्यू ऑफ ताजमहल, द ग्रेट ताजमहल, वर्ल्ड फेमस ताजमहल मेरे पीछे ही है बस चंद कदमों की दूरी पे, और मैं बस वहाँ जाने वाला हूँ
ताजमहल किस लिए बना था, क्या किसने बनवाया था, वो तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि इतना फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। तो मुझे उस पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं सीधा आपको उसके दीदार करवाता हूँ। यूं तेरा मुस्कुराना और आके चले जाना, यूं तेरा मुस्कुराना और आके चले जाना, किस्मत का है खुल जाना। तेरा दीदार हुआ पहला, सा प्यार हुआ पहली ही बार हुआ इस दिल को, ना तो इनकार हुआ ना ही इकरार हुआ, जाने क्या यार हुआ इस दिल को। तुझसे मिला तो जागी दुआएं और नजर ने सजदा किया, तू मेरा रहनुमा है, मंजिल है दास्तां है। ओ तेरी ये रजाएं तो हैं सारी कातिलाना। तो गाइस हमने ताजमहल घूम लिया है, ताजमहल में उतना कुछ मजा आता नहीं है, फिर भी आप आओ, वन टाइम वॉच है, पर बार बार मत आओ हमारी तरह, हम बार बार आए हैं, पहले हम चले जाते थे उधर, अब जाने नहीं देते, उसका एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया है, बट हम तो भैया जा चुके हैं इसलिए अब दोबारा नहीं जाते उधर, एक बार जा चले जाते हो चले जाते, पर आप लोगों को दिखाने के लिए हम दोबारा आ गए हैं यहाँ पे। पहले मैं ब्लॉगिंग करता नहीं था इसलिए आप लोग फुटेज देख नहीं पाए अंदर की, इस बार ब्लॉगिंग की है बट अंदर नहीं जा रहा मैं, क्योंकि अंदर का 200 रुपये चार्ज है, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि हम सस्ते ब्लॉगर हैं, बजट ट्रैवल खराब है, ये हमारा भाई एक अफ्रीका से लौट के आ गया है वापस, बजट खराब है हमारा कोविड के चक्कर में बहुत ज्यादा हालत खराब है, ये लौटा भी आ गया है, तो ठीक है अब बजट खराब है, अब सोचो अब जा रहे हैं हम, अब यहाँ से जाते हैं वापस जाएंगे ओमबीर के रूम पे, ओमबीर के रूम पे जाते हैं, फिर वहाँ पर खाते वाते हैं और गायब हो लेते हैं अब। तो मिलते हैं ऐसे ही न्यू सफरनामे पे, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल पे, और यहाँ तक वीडियो देख लियो तो लाइक से सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, चलो बाय।